हेलो एवरीवन। अच्छा, आपने ऑनलाइन कभी ना कभी सामान बेचा होगा, ठीक है? तो अगर बेचा होगा तो आपको पता होगा ओएलएक्स क्या चीज है और क्विकर क्या चीज है, और ऐसे ही और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सेकंड हैंड सामान खरीद या बेच कर सकते हो। लेकिन जो पॉपुलर है वह भी है यहाँ पे ओएलएक्स और क्विकर। इन सारी सुविधाओं के बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं, तो ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए सिर्फ इस फ्रॉड को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसा मिल गया इत्तेफाक से जो बंदा मेरे साथ फ्रॉड करना चाह रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना दूं मैं। क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने सोचा यार मेरे पास में कुछ पुराना सामान है, उसको ऑनलाइन बेच के देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 3-4 क्वेरी आई उस प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ पे एक क्वेरी जो आई वहाँ पे मुर्गा फंस गया। मुर्गा कौन था? ओएलएक्स यूजर, मतलब कि मुर्गे का कोई नाम भी नहीं था। लेकिन चलो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद नाम नहीं डालते हैं तो उनका ओएलएक्स यूजर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। तो बंदे ने भाई मेरे को मैसेज ड्रॉप किया थ्रू ओएलएक्स चैट, और उसने मेरे को बोला कि वो मेरा प्रोडक्ट जो है उसको परचेज करना चाहता है, तो आप प्लीज मेरे को अपना व्हाट्सअप नंबर दो। उसके बाद भाई यहाँ पे कहानी शुरू होती है। आधे घंटे बाद एक रैंडम नंबर से, इंडियन नंबर से मेरे को मैसेज आता है व्हाट्सअप पे। उसने बोला कि हे आई एम डोनिस, डोनिस पता नहीं क्या नाम है, तो उसने बोला I'm Donis और आपने मेरे को नंबर दिया था ओलेक्स पे, और मैं ही हूँ जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला हूँ, तो भाई आप बताओ कि आपका फाइनल पेमेंट क्या है, कैसे कलेक्ट करोगे, ब्ला 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 सारी कहानी लिखी। मैंने बोला हाय डोनिस, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल नया है और हार्डली 2-3 बार यूज हुआ है, तो ओके आई एम रेडी टू सेल। तो उसने बोला कि ठीक है, आप अपना नेगोशिएट कितना कर सकते हो, आप प्राइस कितना कम कर सकते हो वो बताओ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरे लिए इस प्रोडक्ट को मैं दे दूंगा 21,000 रुपए में, ठीक है, मतलब 28 से सीधे 21 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमाल, बंदा मेरे को आगे से बोलता है कि यार जो मेरा नंबर है, मतलब मेरे को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भी जो मेरा नंबर है वो इंडियन है, लेकिन क्या मैं अभी अभी ना यूएस में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं इंडिया में रहता था पहले, लेकिन अभी अभी यूएस आ गया हूँ, और इंडिया में आंध्र प्रदेश में मेरा ब्रदर रहता है, मेरा भाई, जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट भेजना है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको 28,000 रुपए दूंगा। मतलब बंदे को मैंने आगे से ऑफर किया कि भाई मैं तेरे को 21,000 रुपए दे रहा हूँ। बंदा बोलता नहीं नहीं 21 नहीं, मैं तेरे को 28 दूंगा, ज्यादा पैसे दूंगा। मगर चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या होता है। तो बंदे ने बोला कि ठीक है, मैं आपको पेमेंट डोमिनेट कर दूंगा, आपको जो प्रोडक्ट है वो शिप करना होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, आप वहाँ भेज दो तो पेमेंट जो है वो आपके बैंक में पहुंच जाएगा 28,000 रुपए। फिर उसने बोला कि आप अपना मेरे को बैंकिंग डिटेल्स दे दो, मतलब क्या है IFSC कोड एंड ऑल, कहाँ कहाँ है ब्रांच। मैंने चलो ठीक है, मैंने उसको अपना बैंक का सारा डिटेल दे दिया, और उसने आगे से मेरे को आंध्र प्रदेश का वो एड्रेस भेजा जहाँ पे मेरे को इस प्रोडक्ट को भेजना था। बंदे ने मेरे से ईमेल आईडी मांगा, मैंने कहा चल ईमेल आईडी भी ले ले। उसने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपसे रुक के बात करूंगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपने बैंक के पास, और मैं अपने बैंक वाले को बोलूंगा कि जो पेमेंट है वो इंडिया में ट्रांसफर करे आपके अकाउंट में, क्योंकि मैं यूएस में हूँ। इसके बाद बंदा मेरे को बोलता है कि ठीक है, मैं पेमेंट जो है वो बैंक में करूंगा, और मेरा बैंक जो है वो आपके बैंक में पेमेंट भेजेगा। इससे क्या होगा कि भाई हम दोनों यहाँ पे सेफ रहेंगे, मतलब कि अगर आप फ्रॉड निकले तो मेरे पैसे बैंक मेरे को वापस कर देगा, अगर आप सही निकले तो बैंक जो है वो पैसे आपके पास भेज देगा। तो भाई यहाँ पे बंदा फुल कंसर्न दिखा रहा है कि हम दोनों में से ना कोई भी फ्रॉड नहीं निकलना चाहिए, मतलब आप भी जेन्युइन हो, मैं भी जेन्युइन हूँ, मैं भी जेन्युइनली खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद भैया 1-2 घंटे बाद दोबारा सा मैसेज आया, एक लंबा सा मैसेज ड्राफ्ट किया बंदे ने। उस मैसेज में उसने लिखा कि भाई जो पेमेंट है वो मैंने कर दी है, आप अपना ईमेल आईडी जाकर चेक करो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया होगा कि पेमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैसे है। इसके साथ उसने ये भेजा कि जितनी जल्दी हो पाए आप जो प्रोडक्ट है उसको डिस्पैच कर दो। उसने बोला कि मेरी तरफ से पेमेंट हो गया है, बैंक को मैंने पैसा दे दिया है, अब बैंक वेट कर रहा है आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, तो आप ईमेल आईडी पर जाओ, आप जल्दी से उस प्रोडक्ट को कोरियर कर दो, और उसका जो रिसिप्ट है वो आप मुझे ईमेल आईडी करो उस बैंक के थ्रू, मतलब आपके मेल आईडी पर जो मेल भेजा है बैंक ने, वहां पर जाकर आप बैंक को वो रिसिप्ट स्कैन करके भेजो। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट वहां पे पहुंच जाएगा उस बंदे के पास, बैंक मेरा पेमेंट जो है वो रिलीज कर देगा, उतना पैसा बैंक मेरे अकाउंट में भेज देगा। उसके बाद बंदे ने अपना पासपोर्ट का फोटो भेजा, उसके बाद बंदे ने वेल्स फार्गो बैंक की फोटो भेजी, और उसके बाद बंदे ने एक और फोटो भेजी जिसमें वो दिखा रहा कि मैं नेवी से हूँ, मतलब यूएस की आर्मी वगैरह में हूँ। अब बंदा मेरे को ये बताना चाह रहा है कि यार मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, ठीक है, मेरा पासपोर्ट भी तेरे पास है, मैं यूएस नेवी आर्मी से हूँ, तो मैं फ्रॉड कर नहीं सकता, और बैंक की फोटो भी भेज दी, मतलब बैंक भी जेन्युइन है। मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी कहानी होगी, अब चल के मेल देख लेते हैं। तो भाई ये रहा मेल, प्रॉपर बंदे का मेल वेल भी आ गया बहुत जल्दी, मतलब बंदा काम बहुत सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। मेल आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेल्स फार्गो बैंक, और भाई टर्म्स एंड कंडीशन, और मतलब बिल्कुल बड़ा सा मेल ड्राफ्ट करके भेजा है। मेल आ गया,
व्हाट्सएप पे बात हो गई, डील हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बस मैं थोड़ी दूर हूँ अपने कटवाने से, मतलब कि अगर ये सामान मैं भेजता हूँ तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे कटेगा। कैसे ये फ्रॉड कैसे है, आपको पकड़ना कैसे है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैंने बंदे को आगे से ऑफर डिस्काउंट किया, मैंने बोला कि नहीं मैं तेरे को 21,000 में चीज दे रहा हूँ, लेकिन बंदा आगे से बोलता है कि नहीं भैया मेरे को ऑफर लीजिए, मैं आपको 28,000 रुपए पे कर रहा हूँ। कमाल की बात है। तो ये सारी चीजों पर आप गौर करना कि बंदा ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है, ठीक है, आपसे ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, आपकी ज्यादा केयर कर रहा है, आपको खूब चढ़ा रहा है हवा में, समझ जाओ भैया कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले बंदे ने जो मेल भेजा, मैंने जाके वो ईमेल आईडी चेक किया कि मेल आया कहां से, ठीक है। अब मेल जो भी है सर्विस वेल्स फार्गो बैंक वार हेल्प सेंटर @usa.com। अब देखो डोमेन जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कोई भी बैंक है जब भी वो आपको मैसेज भेजता है तो जो एंड में होता है वो होता है भैया, जैसे हमारा मेल होता है ना मेल आईडी @gmail.com, ऐसे ही किसी भी बैंक का जो मेल आईडी होता है वो ऐसा होता है कि कस्टमर सर्विस या लोन या फिर हेल्प डेस्क @hdfcbank.com @icicbank.com @sbi.com, लेकिन यहाँ पे @usa.com है, मतलब कि पूरे अमेरिका को एक बैंक बना दिया भाई ने। चलो यहाँ पे बंदा पकड़ा गया। उसके बाद बंदे ने प्रॉपर भैया यहाँ पे वेल्स फार्गो का बैंक का स्टेटमेंट भेजा, उसका लोगो भेजा। वेल्स फार्गो का मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं यूएस गया नहीं कभी, लेकिन अब आते हैं भारतीय बैंक में, ठीक है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बंदा दिखाता है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे भैया घास फूस है, मतलब आप ध्यान देना कि यहाँ पे देखो पत्ते बने हुए हैं। अब ऐसा कौन सा बैंक है जो मतलब सही से किसी बैंक का लोगो भी यूज नहीं कर पा रहा है? उसने बोला डियर राकेश कुमार ब्लाह ब्लाह ब्लाह, ठीक है 28,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, डोनिस कार्टर जेम्स, नाम बदल गया यहाँ पे। अब बैंक जो है वो क्या है, गली वली का प्रधान नहीं होता है, कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे बंदे ने लिखा है परचेज्ड फ्रॉम, फ्रॉम की स्पेलिंग देखो आप। अब यहाँ पे FROM देखो आप ध्यान से, FRO जो है वो बोल्ड है, M जो है वो नॉन बोल्ड है, मतलब फ़ॉन्ट भी अलग अलग है, डिजाइन भी अलग अलग है। अभी ये गलती कोई भी बैंक कभी नहीं कर सकता, अभी कोई भी बैंक किसी भी मेल में इतने ज्यादा कलर्स नहीं लिखता है, मतलब या तो वो स्टैंडर्ड कलर में रहेगा, या तो ब्लैक में रहेगा, या व्हाइट में रहेगा, या ब्लैक या ग्रे के कॉम्बिनेशन में रहेगा, लेकिन इतना डिजाइन इतना कलरफुल मेल आपको बैंक की तरफ से कभी नहीं आता, इस चीज का ध्यान रखना। उसका भाई उसने बोला है कि आपको 28,000 रुपए मिलेंगे। फिर वो आता है कि यहाँ पे देखो बैंक की डिटेल्स दिया उसने, मतलब कि पैसा आ कहां से रहा है, ऊपर उसकी सारी डिटेल है, पैसा जाएगा कहां, मेरे अकाउंट में। अब उसने बंदे ने यहां पे अपनी जो डिटेल्स है उस पे स्टार मार्क लगा दिया, ठीक है, कि उसके अकाउंट को देख ना पाए, वैसे फेक अकाउंट है, और मेरा जो अकाउंट है वो पूरा रिवील कर दिया। लेकिन यहां पे कोई भी बैंक कभी भी आपका अकाउंट नंबर पूरा रिवील नहीं करता है, ये प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत वेल प्लान करके भी आता है तो आप ये सारी चीजों पे ऑब्जर्व करो। सबसे अच्छा गया अगर आप ऑनलाइन खरीद बेच कर रहे हो ना, इन चक्करों में फंसो मत, आप दोनों किसी कॉमन जगह पे मिलो, वहां पे डिसाइड करो कि भैया इतना पैसा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो जाओ। और इस टाइप के मेल जो ये ऑनलाइन है, सिर्फ मैसेज पे बात हो रहा है, सिर्फ आपको पेमेंट जो है वो पेटीएम में आ जाएगी या वहां आ जाएगी या वहां आ जाएगी, ऐसे फ्रॉड ना आए दिन होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इन फ्रॉड का शिकार मत बनो, सोच समझ के काम करो, जो भी बेच रहे हो सोच समझ के बेचो, ऐसे फ्रॉड आए तो भैया बच के रहो उससे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आगे मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं किया ये बता दो आप, नहीं तो आपके साथ तो पक्का फ्रॉड होगा, मैं बता रहा हूँ। तो चलो फिर आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।